पहला नाम है परमेश्वर का अदोनाई। अदोनाई ये अनेक मात्रा है, अनेक वचन है, और अदोनाई का मतलब बनता है, हिंदी में उसका मतलब बनता है हे प्रभु। तो जितने भी वचन हम पढ़ते हैं उसमें हे प्रभु अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या बनता है? अदोनाई। तो परमेश्वर के लिए जब अनेक वचन का ये अदोनाई वचन यूज़ किया जाता है, अदोना ये शब्द इब्रानी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, तो वो अनेक वचन है, और एक वचन अगर देखा जाएगा तो वो अदोन है। तो अगर कोई नौकर अपने मालिक को बोलता है हे प्रभु, तो वो एक वचन में बोलता है, वो है अदोन। ओके, जब अनेक वचन में बोला जाता है अदोनाए, तो वो परमेश्वर के लिए बोला जाता है। तो अदोन और अदोनाए, ऐसा एक वचन अदोन और अनेक वचन अदोनाए। तो अनेक वचन वाला परमेश्वर के लिए बोला जाता है और एक वचन वाला मनुष्यों को बोला जाता है जो किसी के ऊपर प्रभुत्व कर रहा है, मास्टर है। इंग्लिश में इस नाम को बोला जाता है लॉर्ड या मास्टर। ठीक है, तो जब एक वचन वाला रहेगा ना, अदोन ऐसा वाला मीनिंग का रहेगा, तो उसका इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखा रहता है LORD, लॉर्ड कैपिटल लेटर में। तो समझ जाना है वो एक वचन वाला लिखा है, और एक ही जगह में वो ऐसा लिखा हुआ है, निर्गमन के पुस्तक में लिखा हुआ है, और बाकी सब जगह में अनेक वचन अदोनाई इस तरह का पुकारा है परमेश्वर को। ठीक है, तो हम पहला वचन देखते हैं कि कौन से नाम से परमेश्वर को पुकारा गया है, हे प्रभु, हे प्रभु, इस तरह का अदोनाई। तो पहला नाम परमेश्वर का हम सीख रहे हैं अदोनाई। तो हे प्रभु बहुत बार आया है, ओके, लेकिन थोड़ा बहुत वचन हम कुछ इसमें से देखेंगे किस तरह से लोगों ने परमेश्वर के साथ हे प्रभु नाम से बात करना स्टार्ट किया था। और सेकेंडली, अदोनाई जैसा अनेक वचन है, उसके साथ साथ एक और एक शब्द है, ओके, समानता में नहीं बोल सकते, उसके साथ में और एक शब्द आता है, वो है यहवे। अगर हे प्रभु बोलेंगे तो उसके साथ यहवे भी बोला गया है। ठीक है, तो मतलब अदोनाई और यहवे, अदोनाई और यहवे, ये साथ साथ पुकारा भी जाता था। केवल हे प्रभु भी बोला जाता था और हे प्रभु यहवे ऐसा भी बोला जाता था। ठीक है, तो जब हे प्रभु बोला जाता था तो हे प्रभु एल एलोहिम, हे प्रभु एल शदाय ऐसा नहीं बोला जाता था, हे प्रभु यहोवा। ओके, इसका मतलब क्या बनता है? अदोनाय यहवे। ओके, तो अदोनाय और यहवे इकट्ठे पुकारा जाने वाला परमेश्वर का नाम है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? अदोनाई के बारे में देख रहे हैं। यहवे भी उसके साथ अगर लगा हुआ अगर मिलता है शब्द, तो भी हमारा वचन जो देख रहे हैं वो सब अदोनाई कहाँ कहाँ पुकारा गया है वही वचन को हम निकाल रहे हैं। तो अगर अदोनाई के साथ साथ यहवे लगा हुआ मिलेगा तो भी वो गलत नहीं है, वो भी यही कहता है, उसका मतलब भी यही बनता है परमेश्वर। ठीक है, लेकिन पहले हम अदोनाई, हे प्रभु, मास्टर, लॉर्ड, इसके बारे में हम वचन देखते हैं। तो उत्पत्ति का 15 अध्याय का 2 वचन में देखते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय 2 वचन, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क की एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? तो हे प्रभु, ये जो शब्द है ये परमेश्वर को पुकारा गया है, और अनेक वचन वाला, ये इंग्लिश में अनेक वचन वाला हम सेपरेट करके नहीं बता सकते, लेकिन हिब्री लैंग्वेज में अनेक वचन वाला शब्द है अदोनाई। ठीक है, तो ये अदोनाई वाला शब्द है, हे प्रभु, और मैंने जैसे बोला साथ साथ यहोवा भी जोड़ा जाता था, कहीं कहीं यहोवा जोड़ा गया है, कहीं कहीं नहीं जोड़ा गया है। तो हे प्रभु के साथ साथ यहोवा, इस तरह का भी नाम परमेश्वर को पुकारा जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं सिर्फ हे प्रभु वाला। तो हे प्रभु में
अनेक वचन है या एक वचन है पहचानना मुश्किल है, लेकिन इब्री लैंग्वेज में ये वाला जो शब्द है हे प्रभु, ये अनेक वचन वाला शब्द है अदोनाय। एक वचन वाला शब्द कौन सा है? अदोन। आया समझ में? तो अदोन का शब्द नहीं है, ये वाला कौन सा शब्द है? अदोनाय। इसके लिए ये अदोनाय है, इसके लिए परमेश्वर को पुकारा गया है, इसमें से मालूम पड़ता है। लेकिन जब आप हिंदी भाषा में ये बाइबल पढ़ रहे होते हैं तब आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन इब्री भाषा में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये परमेश्वर के लिए बोला गया है। क्योंकि साराय भी अब्राहम को स्वामी बोलती थी, स्वामी का मतलब भी प्रभु है, ओके, यानी जो प्रभुत्व करता है, जो मालिक है किसी के ऊपर, तो वो स्वामी कहती थी या फिर उसको प्रभु कह सकती थी। तो इसमें हे प्रभु और सारा ही अगर अब्राहम के लिए बोल रही है हे प्रभु, तो दोनों में हिंदी भाषा में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हिब्री भाषा में अगर इसको देखेंगे तो ये वचन में जब परमेश्वर के लिए कहा गया है तो ये अदोनाई वाला प्रभु है, ओके, अनेक वचन से इसको पुकारा गया है। लेकिन साराई जब अब्राहम को बोलती थी हे प्रभु, तो वो वाला जो वचन है उसमें एक वचन वाला है, वो उसका इब्री भाषा में अदोन ऐसा पुकारा गया है, और यहाँ पर ये अनेक वचन में अदोनाई, ये फर्क है। प्रभु प्रभु हिंदी में फर्क नहीं समझ में आता है, लेकिन हिब्री भाषा में इसका फर्क ऐसा है, ठीक है, कि मालिक। इंग्लिश में भी उसका फर्क करना नहीं आएगा, लेकिन ये हिब्री भाषा में इसका फर्क करना आ जाता है। हे प्रभु यानि अदोनाय। साराय जब बोलेगी अब्राम को प्रभु, तो वो होगा अदोन, ठीक है, ये अदोनाय। तो परमेश्वर के लिए पुकारा गया नाम को हम बोल रहे हैं, अदोनाय वाला नाम को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा वचन देखते हैं, उत्पत्ति का 15:8। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? फिर से देखो, कनेक्टेड दोनों शब्द आया, हे प्रभु भी आया और यहोवा भी आया, लेकिन दोनों को इकट्ठे मिला के बोला गया है। इसका मतलब ये दोनों मिला के अदोनाई नहीं बनता है, अदोनाई केवल हे प्रभु तक ही सीमित है, ठीक है, यहोवा अलग है। लेकिन बोलते समय इन लोगों ने हे प्रभु यहोवा इस तरह से जोड़े करके बोला है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अदोनाई वाले को पढ़ रहे हैं। तो हे प्रभु और फिर यहोवा, ये दो अलग अलग नाम को उन्होंने इकट्ठा करके बोला है। तो ऐसा ही आपको पूरे बाइबल में बहुत ज़्यादा मिलेगा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, ऐसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अदोनाय उसके अंदर का अलग भाग है, यहोवा उसके अंदर का अलग भाग है, ये हमको समझना है। अब और एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति का 18:3 देखते हैं। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना, ठीक है, फिर से हे प्रभु आ गया। नेक्स्ट वचन देखते हैं, 18:27। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। फिर से यहाँ पर हे प्रभु वाला शब्द मिला आपको। और एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति का 18:32। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। तो हे प्रभु यानि अदोनाय, ये शब्द को हमने देखा यहाँ पे। और एक वचन देखते हैं, 18:31। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई की तो की है,
कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। और एक बार देखो 32 वचन में, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। तो इतने वचन में आप जो पढ़ रहे हैं ये अदोनाई के विषय बता रहा है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। तो हिंदी में आपको हे प्रभु मिलने के वक्त में आपको समझ में आना चाहिए वो अदोनाई अनेक वचन वाला शब्द इब्रानी भाषा में बोला गया है। और पढ़ेंगे आगे उत्पत्ति का 20 अध्याय का 4 वचन देखते हैं। उत्पत्ति 20 अध्याय 4 वचन, परंतु अबीमलेक तो उसके पास न गया था, सो उसने कहा, हे प्रभु क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा। अब अबीमलेक जो था ये मिस्री था, ये परमेश्वर का भक्त नहीं था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को अदोनाई के नाम से पुकार रहा है, हे प्रभु के नाम से पुकार रहा है। ठीक है, अब और एक वचन देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे 4 अध्याय का 10 में देखते हैं। निर्गमन चार अध्याय का 10 वचन, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। तो हे मेरे प्रभु, यहाँ पे जो है वो अदोनाई यानी परमेश्वर को वो बात कर रहा है। और एक वचन देखते हैं, उसका ही 13 वचन में देखो क्या लिखा है, वही अध्याय का 13 वचन में, उसने कहा, हे मेरे प्रभु जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। 5 अध्याय का 22 में देखो, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, आया फिर से हे प्रभु, यही पढ़ रहे हम। ओके, अदोनाई यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन है कि अदोनाई के विषय में वो बात कर रहे हैं, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा। फिर से एक बार पढ़ते हैं निर्गमन का 15 अध्याय का 17 वचन, 15 अध्याय का 17 वचन, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा, यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप स्थिर किया है, हे प्रभु अदोनाई। ओके, उसका मतलब हिब्रानी का जो अदोनाई है उसको हिंदी में बोला गया है हे प्रभु। अब और देखते हैं निर्गमन का 34 अध्याय का 9 वचन देखते हैं, निर्गमन 34 अध्याय 9 वचन, और उसने कहा, हे प्रभु, आया फिर से यानी अदोनाई। ठीक है, और उसने कहा अदोनाई, और हिंदी में है हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु, फिर से एक बार अदोनाई, हम लोगों के बीच में होकर चले, ये लोग हटीले तो है तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। गिनती की पुस्तक में 14 अध्याय का 17 वचन देखते हैं, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 17 वचन, सो अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो, प्रभु की सामर्थ, प्रभु
यहाँ हे प्रभु ऐसा नहीं है, फिर भी ये वाला जो प्रभु शब्द है यह अदोनाई के विषय में बताया गया है। यह अदोनाई वाला शब्द है, हिब्री भाषा का अगर बाइबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे अदोनाई ये शब्द है, और हिंदी में इसे पढ़ रहे तो हे वाला शब्द हटाया है, लेकिन प्रभु जो है ये अदोनाई का शब्द लिखा गया है। और उसके बाद पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का 3 अध्याय का 24 देखते हैं। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय का 24 वचन। तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। ऐसा कौन देवता है जो तेरे जैसे काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इसके पहले वाला वचन देखो, उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, ठीक है, हे प्रभु, ये वाला वचन है वो जहाँ पर अदोनाई वाला शब्द मिलता है। और व्यवस्था विवरण का 9 अध्याय का 26 वचन देखेंगे। 9 अध्याय का 26 वचन। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, और जोड़ा उसके साथ क्या नाम और एक जोड़ दिया, यहोवा। तो इकट्ठा लिया है नाम, इसका मतलब अदोनाई नहीं है पूरा, अदोनाई केवल प्रभु तक ही सीमित है, यहोवा उसका और एक नाम है, ठीक है। और एक मतलब उसके मतलब से जुड़ा हुआ नाम है, हम जो मतलब वाला नाम देख रहे हैं वो अदोनाई वाला नाम देख रहे हैं। अदोनाई मतलब मालिक, मास्टर, लॉर्ड, ठीक है। अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर मालिक है, ये बात आपको उस नाम से पता चलता है। और परमेश्वर अनेक वचन में है, ये एक बात उसमें से मालूम करना है आपको, ठीक है। हिब्री भाषा से वो अनेक वचन से ही परमेश्वर को पुकारा गया है। यहोशु का 7 अध्याय का 7 वचन देखते हैं। यहोशु 7 अध्याय का 7 वचन। और यहोशु ने कहा, हाय प्रभु यहोवा। तो यहाँ पे हे नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रभु लिखा है और यहोवा लिखा है। तो हे नहीं लिखा है, फिर भी ये अदोनाई शब्द है और उसको और एक शब्द जोड़ के बोला है यहोवा। तो यहोवा का मतलब उसके साथ जोड़ा है, इसका मतलब पूरा ये अदोनाई नहीं है, अदोनाई केवल प्रभु, इस पर ही सीमित है, ठीक है। तो अपनी इस प्रजा को यर्दन पार क्यों ले आया, क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है, भला होता कि हम संतोष करके यर्दन के उस पार रह जाते। व्यवस्था विवरण यहोशू का 7 अध्याय का और एक बार देखते, 8 वचन में भी वैसे ही लिखा है आगे। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। दोबारा हे नहीं लिखा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ जो प्रभु है वो अदोनाई वाला ही प्रभु का नाम पुकारा गया है। उसके बाद न्यायियों की पुस्तक में 6 अध्याय का 15 वचन देखते हैं। न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय का 15 वचन। उसने कहा, हे मेरे प्रभु। तो अभी ये डायरेक्ट हे प्रभु नहीं है, इसके बीच में एक शब्द जोड़ा गया, मेरे, ओके। तो हे और मेरे, ये उसके अलावा जो प्रभु लिखा गया है वो प्रभु के ऊपर सीमित बनता है। इब्री भाषा में ये अदोनाई बोला गया है, ठीक है। बिनती सुन, मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। न्यायियों के पुस्तक में उसी का 6 अध्याय का 22 वचन में भी देखते हैं कैसा लिखा है। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा।
देखा है। तो इसका मतलब आप अलग अलग नाम यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हिंदी में प्रभु यहोवा भी लिखा है और आगे का सेंटेंस में सिर्फ यहोवा भी लिखा है। ओके, तो हम यहोवा का मीनिंग जो है वो अलग से निकालेंगे, लेकिन पुकारते समय पुराने नियम में अदोनाय और यहोवा साथ मिला के भी बोला जाता था, और प्रभु बोलेंगे तो अदोनाय वाला नाम है ये। इसके बाद और एक वचन देखते हैं, 13 अध्याय का 8 वचन। तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, दोबारा आ गया, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसमें उससे हम क्या क्या करें। तो यहाँ पे जो हे प्रभु लिखा है उसमें जो प्रभु वाला शब्द है ये अदोनाई वाला शब्द है। और वचन देखते हैं हम 16 का 28 में देखते हैं, 16 अध्याय 28 वचन। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा को की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा। तो उसने यहोवा को दुहाई दी, मतलब कोई अलग परमेश्वर को आवाज दिया ऐसा नहीं है, उसने यहोवा नाम को भी यूज किया और प्लस यहाँ पे लिखा है हे प्रभु, यानी ओरिजिनल बाइबल में देखेंगे तो अदोनाय को उसने प्रार्थना किया। इसका मतलब ये बनता है, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तो आपको परमेश्वर को पुकारते समय प्रभु जब आप कहते हैं तो प्रभु का मतलब एक वचन नहीं है, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो अनेक वचन वाला शब्द है, ठीक है, और उसको हिब्री भाषा में अनेक वचन का शब्द अदोनाय बनता है। अदोनाय का एक वचन वाला शब्द अदोन बनता है। तो जब आप प्रभु बोलते हैं तो आप अनेक वचन को पुकार रहे होते हैं, ठीक है, आप। और एक वचन देखते हैं 2 शमूएल 7 का 18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। अब यहाँ पे यहोवा का शब्द लिया गया और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो आपको यहाँ पे यहोवा को के सम्मुख बैठा, तो यहोवा के सम्मुख बैठना मतलब कोई और परमेश्वर के नाम को वो नहीं पुकारा है, वो वही परमेश्वर को पुकारा है, लेकिन अदोनाय का शब्द यहाँ पर जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं इस समय। यहोवा और प्रभु फिर डिफरेंट नहीं है, अदोनाय अनेक वचन वाला जो शब्द है हिब्री भाषा में जो परमेश्वर को पुकारा जाता है, वही परमेश्वर को यहोवा के साथ ये नाम जोड़कर बोला जाता है, हे प्रभु यहोवा ऐसा भी बोला जाता है। इब्रानी भाषा का मैं बोल रही थी। ओके, अब और एक बार वचन देखते हैं, इसमें 2 शमूएल का 7 अध्याय का 19 में भी वैसे ही है, 20 में भी वैसे ही है, 3 वचन आपको इस अध्याय में मिल जाते हैं। परंतु तो भी हे प्रभु यहोवा यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे प्रभु यहोवा यह तो मनुष्य का नियम है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा तू तो अपने दास को जानता है। तो हिंदी का ट्रांसलेशन में हे बोलना या ना बोलना फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे जो प्रभु बोला है वो एक इंसान एक वचन वाला शब्द नहीं है, ये फर्क
इसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हिब्री भाषा में वो फर्क दिखाई रखना है। हिब्री भाषा का शब्द में वो अनेक वचन वाला शब्द है, वही हमारे दिमाग में लेना है। जब परमेश्वर के लिए प्रभु ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो वो अनेक वचन वाला शब्द है, ये हमारे दिमाग में मजबूत रखना है, क्योंकि हिब्री भाषा के आधार से ही हमको सच्चाई का ज्यादा समझ में आता है। तो हिब्री भाषा में अनेक वचन वाला शब्द है ये, जो हिंदी में उसको वैसा करके नहीं बता सकते थे, इसके लिए उसको वैसा ही एक वचन जैसा दिखता है, अनेक वचन उसमें समझ में नहीं आता है। तो हमको ये अलग से करके सिखाना पड़ता है कि परमेश्वर का नाम इस तरह से हिब्री में है और वो सच्चाई है, वो उस तरह का नाम में ही सच्चाई है। अनेक वचन का नाम परमेश्वर को दिया जाता था। अब और देखते हैं दूसरे शमूएल का 28 वचन, वही 7 का 28 वचन में भी है वैसा। और अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। हे प्रभु यहोवा, ये वाला इकट्ठा अदोनाई के लिए भी हे प्रभु, प्रभु वाला शब्द उसमें मिलता है। उन्तीस में भी वैसा ही है। फिर जाएंगे पहले राजाओं के 2 के 26 में। देखो 29 में क्या लिखा है, तो आप प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। दूसरा राजा, राजाओं का पुस्तक, उसमें देखो क्या लिखा है, 2 अध्याय का 26 वचन। दूसरा राजाओं की पुस्तक नहीं है, सॉरी, ये दूसरा शमूएल बोलते बोलते मेरे मुंह में दूसरा आ गया। पहले राजाओं की पुस्तक है और 2 अध्याय के 26 वचन में। और एबियातर राजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का यानी अदोनाय यहोवा के संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और एक बार 3 अध्याय का 10 वचन देखते हैं। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, ये वाला कौन है, प्रभु अदोनाई के विषय में बुलाए कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। आठ का 53 मतलब 8 अध्याय का 53 वचन। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। यहाँ पे भी अदोनाई ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रभु जो शब्द यूज किया है उसमें अदोनाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब 22 अध्याय का 6 वचन में देखते हैं कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इसराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं वा रुका रहूं? उन्होंने
उत्तर दिया चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसका राजा के हाथ में, उसको राजा के हाथ में कर देगा। तो ये क्या है, प्रभु यहाँ पे अनेक वचन वाला, अदोनाई वाला परमेश्वर के विषय में बोला गया शब्द है। अब 7 वचन का, 7 अध्याय का 6 वचन भी पढ़ा, 22 का भी पढ़ लिया। अब और उसके बाद में है दूसरे अध्याय का, सॉरी दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 7 अध्याय का 6 वचन। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। देखा प्रभु ने, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को, ये वाला जो है वो अदोनाई के बारे में बता रहा है, क्योंकि अदोनाई ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इसराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। दूसरे राजाओं की पुस्तक और उसमें 19 अध्याय का 23 वचन, 19 अध्याय का 23 वचन। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर, वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसमें जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। ये जो है तूने प्रभु की निंदा करके कहा है, ये जो प्रभु है इसमें अदोनाई वाला शब्द है, ये अनेक वचन वाला शब्द है। उन्नीस अध्याय का 23 वचन देखते हैं, 23 ही पढ़ा ना अभी हमने, एज्रा की पुस्तक में जाएंगे 10 अध्याय का 3 देखते हैं। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति, और ये प्रभु जो है वो अदोनाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कि हम अपने अदोनाई की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के बालों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। नहेमिया का 1 अध्याय का 11 वचन देखते हैं, नहेमिया 1:11। हे प्रभु, दोबारा प्रभु जो है अदोनाय, हे अदोनाय विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। चार अध्याय का 14वां वचन देखते हैं, तब मैं देख कर उठा और रईसों और हकीमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु, ये जो प्रभु है वो अदोनाई शब्द वाला प्रभु है, अनेक वचन वाला शब्द है। अदोनाई जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों बेटों और बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। अय्यूब की पुस्तक में जाएंगे, 28 अध्याय में जाएंगे, और उसका भी 28 वचन को देखेंगे। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। ये अदोनाई का भय मानना यही बुद्धि है, इसके शब्द में अदोनाई है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है।
भजन संहिता में जाएंगे, दो अध्याय का। चौथा वचन देखते, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। ये जो है अदोनाई, ओके, अदोनाई उनको ठट्टों में उड़ाएगा। 16 का दो वचन देखते हैं, भजन संहिता 16 का दूसरा वचन। मैंने परमेश्वर से कहा है, अब ये जो परमेश्वर है इसको आप अलग रखो, ठीक है, मतलब इसके बारे में लिस्ट में नाम आएगा तभी हम देखेंगे इसके बारे में। अभी जो मैं बता रही हूँ ये अदोनाई के बारे में है कि तू ही मेरा प्रभु है, यानी अदोनाई है, तू ही मेरा प्रभु है, अदोनाई है, तू ही मेरा अदोनाई है। ये वक्त है, प्रभु के जगह में अदोनाई वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है। तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं, बाईस का तीस देखते हैं, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा, यानी अदोनाय का वर्णन किया जाएगा। पैंतीस का सत्रह देखते हैं, हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा, यानी हे अदोनाए तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। अदोनाए से बात कर रहा है वो, उसके आगे का वचन भी वैसे ही है। 23, उठ मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, यानि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे अदोनाए, मेरे मुकदमा निपटाने के लिए आ। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो जब हम अदोनाए ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए हम अनेक वचन से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हम ये उसको बोल रहे हैं कि तू हमारे ऊपर मालिक है, इसका मतलब बनता है तू हमारे ऊपर मालिक है, ठीक है। अदोनाई का मतलब है मालिक, लॉर्ड, इंग्लिश में मास्टर, लॉर्ड, हिंदी में प्रभु, लेकिन अनेक वचन का शब्द है ये, एक वचन वाला नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा है ये अध्याय में, ओके, ये हो गया भजन संहिता के। इसमें हमने देखा किस तरह से 37 में भी है, 38 में भी है, 39 में है, भजन संहिता में तो बहुत सारा है वचन। 37 में देखते हैं, 37 13 वचन में, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है, यानी यहाँ पर जो बोला गया है प्रभु देखता है वो वाला अदोनाई देखता है, ऐसा उसका वचन है। 38 के इसमें देखते हैं, हे प्रभु, यानी हे अदोनाई, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। 15 वचन में कैसा लिखा है उसमें, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है, हे प्रभु, यानी हे अदोनाए, मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। 22 वचन देखते हैं कैसा लिखा है, हे यहोवा, मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए
फुर्ती कर। अब यहाँ पे प्रभु वाला शब्द नहीं मिला है, हे यहोवा मिला है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इब्री भाषा में लिखा गया शब्द है वो प्रभु का शब्द, अदोनाई का शब्द यहाँ पे नहीं लिखा गया, हिंदी में वो मिस हो गया है। लेकिन इस जगह पर या जो परमेश्वर को पुकारा गया है वो अदोनाई के शब्द से पुकारा गया है। 40 अध्याय के 17 में देखते हैं। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। प्रभु यानी अदोनाई, इब्री भाषा में इस जगह में अदोनाई लिखा है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी अदोनाई मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। 44 का 23 देखते हैं। हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। तो यहाँ वाला जो प्रभु है, अदोनाई से लगा हुआ शब्द है ये, हे अदोनाई जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। इस तरह वाला वो वचन है। ठीक है, अब हम परमेश्वर का दूसरा नाम जो है वो पढ़ेंगे, वो है एल एलियोम। दूसरा नाम जो है वो है एल एलियोन, एल एलियोन। ओके, एल एलियोन ये हिब्री भाषा में बोला गया है, और सबसे ऊंचा परमेश्वर। ओके, सबसे ऊंचा इसका कैरेक्टर बताता है। ओके, परमेश्वर का पोजीशन बताता है, परमेश्वर का स्थान बताता है, मतलब उसके आदर का एक ऊंचाई दर्शाता है, एल एलियोन। ओके, तो एल ये शब्द अलग है। एल का जो शब्द है उसका मतलब परमेश्वर, ठीक है, उसका मतलब जो हम बोल रहे थे अभी, अदोनाय। अदोनाय यानी प्रभु, अनेक वचन में प्रभु यानी मास्टर, मालिक, ऐसा एक उसका मतलब बनता है। वैसा अगर एल ये देखेंगे तो एल का मतलब बनता है परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर। और फिर उसके साथ उसकी पहचान को दर्शाने वाला शब्द जोड़ा जाता था, तो एल एलियोन यानी एलियोन। एल और योन, ये एलियोन जो लिखा गया है इसका अर्थ बनता है सबसे ऊंचा परमेश्वर। ओके, एल यानी परमेश्वर, और एलियोन मतलब उसके बारे में बता रहा है, सबसे ऊंचा परमेश्वर, सबसे ऊंचा ये दर्शाता है, सबसे ज्यादा ऊंचा, इस तरह का है वो, सबसे ज्यादा ऊंचा, ठीक है, ऐसा बताता है एल एलियोन। एल एलियोन यानी परमेश्वर जो सबसे ज्यादा ऊंचा है। ओके, सबसे ज्यादा ऊंचे में पहचाना जाएगा, इस तरह वाला वो वाला परमेश्वर, ठीक है। तो इस तरह से परमेश्वर का नाम पुकारा गया। तो इसके बारे में हम देखते हैं कौन से वचन में है वो। उत्पत्ति के 14 अध्याय के 18 में जाएंगे। एल एलियोन इस तरह का नाम है वो, ठीक है। उत्पत्ति 14 अध्याय 18 वचन। जब शालेम का राजा मलकीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, तो परम प्रधान इस तरह का हिंदी में उसको बोला गया है। और सहज शब्दों में जो मैंने आपको बताया, सबसे ऊंचा परमेश्वर, ठीक है, मोस्ट हाई,
ऐसा इंग्लिश में बोला है, तो मैंने उसको हिंदी में अपने शब्दों में उसको बोला, लेकिन बाइबल के शब्दों में उसका जिक्र परम प्रधान ये शब्द से किया गया है। आया समझ में? तो एल एलियोन किस नाम से हिंदी में जाना जाता है? परम प्रधान। अदोनाई किस नाम से हिंदी में जाना जाता है? प्रभु। ओके, तो आप प्रभु बोलेंगे तो वो अनेक वचन वाला प्रभु जब रहता है तो वो अदोनाई है। सारा अब्राम को जब बोलती है प्रभु, वो एक वचन वाला है, अदोन वाला है। और जो परमेश्वर को पुकारा जाता है प्रभु, तो वो अनेक वचन वाला है, अदोनाई। ठीक है, तो हमने जो परमेश्वर का नाम देखा वो अदोनाई के नाम से देखा। अब यहाँ पर परम प्रधान के नाम से जब बोल रहा है, तो वो एल एलियोन ये शब्द हिब्री भाषा में उसके बारे में लिखा है। ठीक है, एल एलियोन, एलियोन यानी सबसे ऊंचा, और उसको हिंदी में किस तरह से लिखा गया? परम प्रधान। ठीक है, अब दूसरा वचन देखते हैं, उसी के आगे है 19 वचन। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान, दोबारा परम प्रधान, तो परम प्रधान के जगह में कौन सा शब्द है इब्री भाषा में? एल एलियोन, यानी परमेश्वर जो सबसे ऊंचा है। हाँ, तो यहाँ कैसा लिखा है? परम प्रधान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, यानी एल यानी ईश्वर है। ठीक है, तो एलियोन, एल एलियोन इसका मतलब कैसा दिया? परम प्रधान ईश्वर। ओके, वहां पर भी जब शालेम के राजा मलकिसदेक, जो एल एलियोन का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि एल एलियोन की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। समझ में आया ये एल एलियोन कैसा यूज किया है हिंदी में? परम प्रधान ईश्वर, इस तरह से। एल का मतलब ईश्वर, ठीक है, और परम प्रधान का मतलब एलियोन, परम प्रधान का मतलब है एलियोन, और एल का मतलब है ईश्वर। तो कैसा लिखा उसको? परम प्रधान ईश्वर। इंग्लिश में कैसा लिखा है? एल पहले लिखा है, परम प्रधान बाद में लिखा है। हिंदी में कैसा लिखा है? परम प्रधान पहले लिखा है और ईश्वर बाद में लिखा है। और हिब्री में कैसा लिखा है? ईश्वर पहले लिखा है, परम प्रधान बाद में लिखा है, यानी एल एलियोन। और उसको हिंदी में लिखते समय कैसे लिखा है? पहले परम प्रधान लिखा है और फिर ईश्वर, एलियोन एल, ऐसा लिखा। ओके, तो वो गलत हो जाता है, लेकिन उसको लिखने के ढंग में वैसा लिखा गया है। लेकिन हिब्री भाषा में पहला परमेश्वर ये शब्द है एल, ठीक है, और फिर उसके बारे में जो दर्शाता है वो शब्द है एलियोन। ठीक है, तो पहला परमेश्वर है, यानी परमेश्वर जो परम प्रधान है। ठीक है, तो लिखते समय हिंदी में कैसा लिखा? परम प्रधान ईश्वर। ठीक है, तो जो सच्ची भाषा है उसमें आप देख लेना ये कैसा परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो परम प्रधान है। ठीक है, उसी के आगे देखो और एक वचन है 20 वचन में, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, यानी दोबारा एल एलियोन, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। अब देखो, आपको समझ में आना चाहिए, प्रभु जो था ना, वो बिनतियों में यूज किया गया था जब उसकी जरूरत थी। दाऊद ने भी बिनतियों में यूज किया। जब हम बिनतियों में प्रभु बोल रहे होते हैं, तो हम अपनी मांगे उसके सामने रख रहे होते हैं। ओके, हमको जो चाहिए उससे, हमको जो उसके साथ एक सिंपल सी बातें कहनी है, वो हम जब प्रस्तुत करते हैं, तब हम प्रभु 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 कहते हैं। ओके, अब इसके जगह में देखो कैसा लिखा है, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, यानी फाइट में था अब्राम। ओके, और तभी उसके नाम का वो चर्चा कर रहा है। किस तरह का चर्चा कर रहा है? कि वो परमेश्वर के बारे में वो बोल रहा है जो सबसे ऊंचे पर है। आया समझ में? जो सबसे ज्यादा ऊंचे पर है। ओके, तो इस तरह का उसने लड़ाई के वक्त में उसकी जिक्र की है
एल एलियोन इस तरह का परमेश्वर का उसने संबोधन किया, नाम लिया है। अब अगला वर देखते हैं, और एक है उसके आगे एक वचन और एक है, देखो 22 वचन कैसा लिखा है। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यानी एल एलियोन ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। फिर से एक बार उसने एल एलियोन को यूज किया यहाँ पे। और भजन संहिता का 57:2 देखते हैं, यहाँ पे भी ओ सदोम के राजा को क्यों ऐसा बोल रहा था एल एलियोन, ये इसलिए पावर के विषय में, वो यहाँ पे फाइट के विषय में, वो जो उसका ओपोनेंट है उससे भी ज्यादा पावरफुल यानी उससे भी ज्यादा ऊंचे पर। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आखिरी शब्द यहोवा ही का रहता है, आखिरी शब्द परमेश्वर का रहता है। तो इसका मतलब क्या है, आप बाकी कोई मैटर से डरना नहीं है, क्योंकि ये सारे मैटर्स कोई ना कोई पावर से ही क्रिएट होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए इससे भी ऊपर और एक है, वो नाम किस तरह से पुकारा जाता है, एल एलियोन के नाम से पुकारा जाता है। ये सिचुएशन के अंदर का जो एल एलियोन दिखाता है वो आपका परमेश्वर, बाकी उस सिचुएशन को क्रिएट जिसने किया है उससे भी ऊंचे पर रहने वाला वो परमेश्वर है। ये अब्राम दर्शा रहा है इस जगह में, ठीक है। अब और एक देखते हैं वचन, भजन संहिता का 57 यानी 57। को जाएंगे, देखो दूसरे वचन में कैसा लिखा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। तो हिंदी में आपको समझ में आना चाहिए, जहां पे प्रभु बोला है तो एदोनाय, और परम प्रधान बोला है तो एल एलियोन। ये याद रखना, मैं एल एलियोन को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आपको सिचुएशन पे ध्यान देना है, देखो ये भी फाइट के विषय में बता रहा है, ठीक है, ये भी उसकी पोजीशन को ऊंचा करके दिखा रहा है कि ये मेरी सिचुएशन को तुम मत देखो, इसको क्रिएट करने वाले बहुत छोटे हैं, ये छोटों के ऊपर एकदम ऊंचे पर चढ़ाई किया हुआ जो है वो मेरे साथ है। एल एलियोन का मतलब वैसा बनता है, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसके पहचान जो है वो आपके सिचुएशंस के वो एकदम ऊंचे पर जो है, उस सिचुएशन को क्रिएट करने वाले तो बहुत हल्के फुल्के हैं, उससे भी बहुत ऊंचे पर जो है, सबसे ज्यादा ऊंचे पर, द मोस्ट हाई बोला है, द मोस्ट एग्जॉल्टेड गॉड ऐसा बोला है एल एलियोन का मतलब। ये बात को आप ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी इस भजन संहिता का 78 को देखेंगे, उसमें 35 वचन को देखते हैं। और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। यानी आपको यहाँ पे देखो, मैं बोल रही हूँ सिचुएशंस आपके जो भी है, तब आपको ऊंचे पर कौन दिखना चाहिए, सिचुएशन को बनाने वाला छोटा वाला है, लेकिन सिचुएशन बनाने वाले से और भी ऊंचे पर जो है वो आपके साथ है, वो है एल एलियोन, ठीक है। तो एल एलियोन का ही शब्द आखिरी शब्द होता है। ये आपका जिंदगी में, आपके विश्वास में इसको उठा लेना है, जब बैटल है, फाइट है, शत्रु है, और आप बैटल में खड़े हैं, आप फाइट में खड़े हैं, तो आपका हियाव, आपका हिम्मत क्यों बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये फाइट, ये बैटल, ये जो है मेरे आमने सामने, ये एक पावर से आया हुआ है, लेकिन वो पावर से भी बहुत ऊंचे पर जो है वो वाला परम प्रधान, द मोस्ट हाई एल एलियोन, वो मेरे साथ है। ये हमारा उस सिचुएशन को टक्कर देने का, जैसा दाऊद ने टक्कर दिया था
गोलियात को, वहां पे ये एल एलियोन का पावर हमारे अंदर क्रिएट होना चाहिए कि हम किसको जानते हैं। हमारा ये सिचुएशन क्रिएट करने वालों ने तो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास पावर है, उन्होंने कर दिया, लेकिन हमको जो बैकिंग करता है वो कौन है? वो सबसे ऊंचा जाने वाला परमेश्वर, जाना जाने वाला परमेश्वर, सबसे ऊंचे पर जो है वो सबसे हाई, द मोस्ट हाई गॉड, एल एलियोन, वो हमारा परमेश्वर है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखो किस सिचुएशन में इनको एल एलियोन पुकारा गया है। अब दूसरा नाम देखते हैं, एल ओलाम। एल ओलाम, ओलाम, ओके, ओलाम, इसमें ओलाम, ये एल एम ओलाम, ओके, एल का मतलब तो आपको मालूम है परमेश्वर, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की खासियत बता रहा है वो, जैसा परम प्रधान, ये खासियत था परमेश्वर का, वो सबसे ऊंचे पर रहने वाला वो परमेश्वर, यानी परम प्रधान परमेश्वर, हिंदी में उसको बोलते समय प्रभु यानी अदोनाए, वैसा ओलाम जब बोलते हैं तब अनंत काल का, ओके, हमेशा के लिए, ओके, युगानुयुग के लिए, ठीक है, और पूरी सृष्टि का, प्राचीन काल का, ओके, हर हर समय में उसका, ओलाम का मतलब क्या आता है, जो प्राचीन दिनों में जाना गया था, यानी सृष्टि का जो निर्माण करता, मतलब परमेश्वर, निर्माण करता नहीं, ओलाम का मतलब क्या है, सृष्टि का परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर, प्राचीन कालों में जाना गया वो परमेश्वर, ठीक है, अनंत काल का परमेश्वर, ओके, हमेशा हमेशा के लिए, युगानुयुग का परमेश्वर, युगानुयुग नहीं बोल सकते, युग युग मतलब जनरेशन, ओके, अनंत काल बराबर है इटर्निटी, ठीक है, इटर्नल, इटर्निटी, एवरलास्टिंग, ठीक है, तो ओलाम का मतलब युगानुयुग नहीं है, ओलाम का मतलब अनंत काल, ओके, सृष्टि का परमेश्वर, प्राचीन दिनों से जाना गया, आया समझ में? गॉड ऑफ एंशंट डेज, इस तरह का उसका मतलब बनता है। देखो अब यहाँ पर एक वचन के आधार से हम सीखेंगे इसको। अब एल का मतलब तो आपको मालूम है परमेश्वर, और ओलाम का मतलब क्या, अनादिकाल का परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर, प्राचीन काल का परमेश्वर, ठीक है। अब उत्पत्ति के 21 अध्याय में जाएंगे और उत्पत्ति 21 अध्याय 33 वचन में देखेंगे कैसा लिखा है। और इब्राहिम ने बर्शबे में झाऊ का एक वृक्ष लगाया, और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है, अदोनाई के लिए कैसा था, प्रभु, एलियोन कैसे था, परम प्रधान, अब ओलाम कैसे लिखा है, सनातन, ठीक है, सनातन ईश्वर है, उससे प्रार्थना की। तो अब इब्राहिम ने बरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया, और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, ऐसा उसने बोला है, यानी उसको भक्ति करने के लिए अब और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये उसका विश्राम का समय आ गया उसको, अब और कोई भक्ति के लिए मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मुझे मिल गया जो एक अदृश्य ऐसा रहने वाला, जो एक मेरे लिए जरूरत है मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, वो मैंने पहचान लिया, ठीक है, अब इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए, इस तरह का उसके पास एक समाधान आ गया, ओके, एक सॉल्यूशन आ गया, इसके पास एक आंसर आ गया, ओके,
तो उसने उसको वो हमेशा हमेशा का परमेश्वर है ये समझ लिया उसके बारे में, और वो अनादिकाल से परमेश्वर है और अनंत काल का परमेश्वर है ये उसने जान लिया। तो ये वाला जगह में आपको ओलाम का शब्द मालूम पड़ता है, एल ओलाम। ठीक है, यरमिया का जो 10 अध्याय है उसमें भी इसके विषय में किस तरह से लिखा है देखेंगे, यरमिया की भविष्यवाणी और उसका 10 अध्याय का 10 वचन देखते हैं। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, उसके वर्णन को किया है, ओलाम ये शब्द का वर्णन किया है। ओलाम ये शब्द को जैसा सनातन कहा गया वैसा उसने यूज नहीं किया, यहाँ पे वो सदा का ऐसा वो यूज किया है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर ऐसा यूज किया है, वास्तव में परमेश्वर। ठीक है, जीवित परमेश्वर सदा का ऐसा वो परमेश्वर। ठीक है, उसके बारे में वो ओलाम के शब्द को इन लोगों ने खुल खुल के उसका वर्णन किया है। अब यशायाह के 26 अध्याय में देखते कैसे लिखा है उन्होंने, यशायाह की भविष्यवाणी 26 अध्याय का 4 वचन देखते कैसे लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, यानी हमेशा के लिए वाला चट्टान है। आपको वो कभी बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा, कभी आपका विश्वास वो तोड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो आपको कोई भी प्रकार से आज ये तो कल वो ऐसा अलग अलग अनस्टेबल नहीं, अस्थिर नहीं रहेगा, एक समानता से अनंत काल तक का वो परमेश्वर है। और ज्यादा उसके बारे में डाउट करने का आपको जरूरत नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया ओलाम के विषय में हमने देखा वचन को, अब देखते हैं एल शदाई के वचन, एल यानी परमेश्वर। ठीक है, एल शदाई इसके बारे में देखते हैं। देखो एल शदाई, एल का मतलब आपको मालूम है परमेश्वर, और शदाई का मतलब सर्व शक्तिमान, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। ओके, सर्व सामर्थ्य सर्व शक्तिमान परमेश्वर। ठीक है, वो सामर्थ और क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड पावर, बल और सामर्थ का परमेश्वर है। ओके, बलवंत, सबसे ज्यादा बलवंत और सबसे ज्यादा सामर्थ्य, ये शदाई को दर्शाता है। ठीक है, एक्चुअली ये इसके बारे में जो शब्द है शदाई का, उसमें अगर शाद ये शब्द को देखेंगे तो इसका मतलब हिब्री भाषा में जो रहता है वो एक पहाड़, ये मतलब से उसको कनेक्ट होता है, उसका मतलब पहाड़ ये शब्द से जुड़ता है, मतलब से जुड़ता है वो शब्द। ओके, तो जैसा एक प्रकार से जैसे मदर्स लोग अपने बच्चों को किस तरह से फीड करते हैं, नरिश करते हैं, ओके, उस तरह का ये शब्द है। आया समझ में, यानी परमेश्वर अपने सृष्टि का पूरी तरह से उसका उसको सप्लाई करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। ओके, उसको ब्लेस करता है, उसका पालन पोषण करता है, ये उसका मतलब है शदाई का मतलब। समझ में आया आपको, जैसे माता अपने बच्चों की चिंता करती है और पालन पोषण करती है, सारी ज़रूरतों को वो उसको जन्म से उसको फीड करती है। ओके, उसकी ताकत तंदुरुस्ती बल तैयार करती है उसके अंदर। ओके, उसको ढीला पड़ने नहीं देती है, उसको बराबर से टाइम टू टाइम खाना देती है, टाइम टू टाइम पीना देती है, टाइम टू टाइम सुलाती है, टाइम टू टाइम एवरीथिंग। वो इतना उसका जन्म हुआ वो पल से उसकी सारी चिंता को वो पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ निभाती है। ठीक है, तो ये बल और ये
सामर्थ वो बच्चे में बढ़ते जाती है। तो शदाई का मतलब वही है कि ये ऐसा परमेश्वर है जो अपने सृष्टि का पूरा ख्याल रखता है, उसको बनाने से लेके उसकी पूरी पालन पोषण करने तक की पूरी चिंता वो उठाता है, ये उसका मतलब है। ठीक है, हम देखेंगे उसका वचन कैसा लिखा है हिंदी में। उत्पत्ति में जाएंगे हम, उसका 17 अध्याय में देखेंगे कैसा लिखा है। सत्रह अध्याय का 1 वचन, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो ये परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के बारे में वर्णन करके अब्राम को पहचान दिया, मूसा को अलग पहचान दिया था, अब्राम को उसने सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में उसके अपने बारे में खुद के बारे में पहचान दिया। ठीक है, और मूसा को कैसा कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, जाके बता दे। ओके, तो इस तरह से अब्राम को बोलता है, वो मुझे समझ जो ताकत और जो सामर्थ और बल जिसके पास है, सबसे ज्यादा भी नहीं बोल सकते, सर्वशक्तिमान यानी सारी ताकत और सारे बल का जो परमेश्वर है वही मैं परमेश्वर हूँ, इस तरह का वो अब्राहम को पहचान देता है। तो कितना आपको समझ में आना चाहिए कि ये अब्राहम को खुद बोल रहा है, खुद के बारे में बता रहा है। तो आपको आपका परमेश्वर का पहचान हो जाना चाहिए, एक तो वो आपके ऊपर मालिक है, दूसरा वो सबसे ऊंचे पर है, आपके जिंदगी का कोई भी परिस्थिति जो है वो कोई ना कोई पावर से ही क्रिएट हुआ रहता है, वो सब पावर्स के भी सबसे ऊपर वाला जो है वो परमेश्वर है। ओके, वो है ओलाम, ये शब्द से जाना गया। अब ये जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, इसके ओलाम तो अनादिकाल का है, अनंत काल का है, और उसके पहले जो हमने पढ़ा एलोहिम, एलोहिम नहीं पढ़ा था, उसके पहले जो पढ़ा था हमने एलियन, एलियन अदोनाई जो है प्रभु, एलियन जो है वो सबसे ऊंचे पर परमेश्वर, जो युद्ध के समय अब्राम ने उस नाम को इस्तेमाल किया था, अदोनाई प्रार्थनाओं के लिए यूज किया था, प्रभु 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 अदोन एलो एलियन युद्ध के समय में। ओके, कि परम प्रधान सबसे ऊंचे पर जो है वो परमेश्वर हमारे साथ है, और ओलाम अनंत काल का परमेश्वर है, जो अनादि काल का परमेश्वर है, जो सृष्टि का परमेश्वर है, जो प्राचीन काल से जाना जा गया था वो परमेश्वर है। ठीक है, और एल शदाई को जब हम देख रहे तो ये क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ठीक है, खुद परमेश्वर उसकी पहचान दे रहा है। तो हम किस परमेश्वर को जानते हैं, वो नाम से आपको आपकी ताकत खींचना आना चाहिए। ओके, वो नाम को आप जब याद करो तो आप क्या आपका हर एक चीज अपनी अपनी जगह में ठीक से बैठ जाना चाहिए। ओके, तो ये नाम का पावर इस तरह से, मतलब नाम को सीखने का कारण ये होता है, अगर आपको उसके अंदर का ये रस, ये जूस, ये मिठास, ये ताकत, ये बल इसके अंदर का आपको समझ में नहीं आया तो आपके लाइफ को वो हेल्प नहीं कर पाता है। ओके, इसकी वजह से इसको खुल के आपके सामने लाना जरूरी है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा नाम हम देख रहे हैं, शदाई वाला नाम। ठीक है, शदाई क्या बताता है, सर्वशक्तिमान वो अपने आप के बारे में दे रहा है, ये हिंदी में ऐसा लिखा है। और एलियन के बारे में कैसा लिखा उसने, परम प्रधान। ओके, शदाई अभी आप देख रहे हैं सर्वशक्तिमान। ठीक है, अदोनाई प्रभु, और एक ओलाम अनंत काल का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर। ठीक है, अब और एक वचन देखते हैं इसके बारे में, अट्ठाईस अध्याय में जाएंगे।
तीसरा वचन, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फुला फुला कर बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। अब देखो परमेश्वर ने अपनी तरफ से वो अब्राहम को हेल्प कर रहा है समझने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ से अब्राहम को वो हेल्प कर रहा है कि अब्राहम किस तरह से माने परमेश्वर को। तो अब्राहम ने तो अपनी तरफ से क्या मान लिया परमेश्वर को, वो युद्ध के समय उसने बता दिया, उसने एलियोन के नाम से जाना, एलियोन यानी परम प्रधान, सबसे ऊंचा परमेश्वर। तो युद्ध में अब्राहम ने उसका वो टेस्ट देखा। अब अब्राहम को परमेश्वर खुद जो बता रहा है अपने बारे में, वो सर्वशक्तिमान ये वाला टेस्ट वो दे रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है ये टेस्ट क्या देगा आपको, रिटर्न में क्या देगा, जब आप सर्वशक्तिमान इस नाम से अगर परमेश्वर को जानते हैं तो उसके रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे, आशीष मिलेंगे, फुला फला कर आपको बढ़ाया जाएगा और राज्य राज्य के मंडली के मूल आपको बनाया जाएगा। आया समझ में? ये नाम परमेश्वर आपको क्यों जता रहा है, क्योंकि वो नाम के आधार से आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ओके। एलियोन के नाम के आधार से आपको युद्ध में जीतने का अवसर रहता है, शदाई के आधार से जो नाम है वो आपको पालन पोषण करता है, आपके सारे जिंदगी का चिंता वो उठाता है, ओके, आपको कोई चिंता का अवसर नहीं रखता है। वो अदोनाई के नाम से वो आपको उसके साथ इंटरैक्ट करने का रास्ता देता है, आपकी याचनाओं को लेकर आने का, प्रार्थनाओं को लेकर आने का रास्ता देता है, ठीक है। और ओलाम के नाम से वो आपको विश्वास दिलाता है कि आपको और कोई पावर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है जो आज भी आपकी सहायता है और आपको अनादिकाल तक आपको और कोई युगानुयुग आपको और कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एकमात्र परमेश्वर के ऊपर आप टेक ले लो, दोबारा आपको कभी किसी और चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको एक आराम दिलाता है, विश्राम देता है वो, ठीक है। अब आपको और एक वचन दिखाना है, उत्पत्ति में जाएंगे 35 अध्याय का 11 वचन देखेंगे। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। फिर से उसने सर्वशक्तिमान यानी पूरी तरह से उसकी रचना का वो चिंता करने वाला परमेश्वर है, ओके? उसकी चिंता के अंदर क्या क्या है देखो, वो ये चिंता करता है कि हम फूले, हम फले, हम बढ़े और हम से जाति वरन जातियों की मंडली उत्पन्न हो और हमारे वंश राजा उत्पन्न हो। ये वो उसके कैरेक्टर, उसके हिसाब में वो हमारे बारे में क्या सोचता है वो उसने दर्शाया कि उसका सर्वशक्तिमान ईश्वर होने का नतीजा हमको क्या मिलना चाहिए, कि वो उस नाम के आधार को लेके वो आपको बताना चाहता है ये नाम आपके लिए क्या प्रोड्यूस करके लाएगा, ओके, क्या जन्मा के लाएगा, क्या लेके आएगा रिजल्ट्स ये नाम के आधार से, ठीक है। तो आपको आप ये बहुत ज़रूरी ऐसे शब्द है, समझ में आना चाहिए आपको। एक और एक वचन देखते हैं, 43 में जाएंगे, 43 का 14 वचन में देखो, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामिन को भी आने दे और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर, ओके, यानी जो मेरी सारी चिंता करता है, जो उसके रचना की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, वो पूरी तरह से अपने अपने ऊपर वो बोझ उठाता है, ओके, वो क्या करेगा, तुम पर
दयालु करेगा पुरुष को और तुम्हारे दूसरे भाई को और बुन्यामिन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दे। वो उनके बीच में बातें हो रही थी, उसमें वो उस परमेश्वर का वर्णन कर रहा है कि अब चिंता की बात नहीं है, तुमको और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा परमेश्वर है जो उसकी रचना की पूरी पूरी तरह से पालन पोषण का जिम्मेदार होकर वो पूरा बोझ उठाता है। वो वाला मेरे पास परमेश्वर है, ये यहाँ पर वो दर्शा रहा है, ठीक है। और एल शदाई का मतलब हम पढ़ रहे हैं इसमें। और एक वचन देखना है, 48 में जाएंगे। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, यानी वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी अपने अंदर ली है, जिसने रचना किए हुए हरेक बातों का खुद जिम्मेदार होकर चिंता रखता है, हाँ, कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी। ओके, तो आप आशीष कहाँ ढूंढना चाहिए, या आप फलने और फूलने का रास्ता कहाँ ढूंढना चाहिए? एल शदाई के नाम के नीचे आपको ये मिलता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एलोहिम। अब ये परमेश्वर के बारे में, ये नाम परमेश्वर का, यानी अलग अलग परमेश्वर नहीं है परमेश्वर। अब ये एक मतलब जैसा यीशु मसीह ने कहा, इकट्ठा तुम सब कुछ जानना मुश्किल है, क्योंकि तुम उसको ले नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा पवित्र आत्मा सिखाता जाएगा और पूरी सच्चाई सिखाएगा, है ना। तो इसके लिए परमेश्वर भी हर एक इंसान को एक अलग अलग उसका एक्सपोजर दे रहा है, खुलासा दे रहा है, ठीक है। अब एलोहिम वही परमेश्वर है, लेकिन उसके बारे में अब यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे जो एलोहिम ये शब्द लिखा गया है, इसका एक साधारण सा मतलब बनता है न्यायी परमेश्वर। ओके, परमेश्वर, एलोहिम का मतलब ही परमेश्वर, और उसका मतलब बनता है न्यायी, और एक सृष्टि यानी सृष्टिकर्ता। ओके, परमेश्वर न्यायी या फिर सृष्टिकर्ता, तीनों का मतलब एलोहिम बनता है, ठीक है। यानी ईश्वर या फिर न्यायी या फिर सृष्टिकर्ता, ठीक है, ये तीनों का मतलब एलोहिम ही बनता है। अब एलोहिम के बारे में एक साधारण सा एक एक्स्ट्रा जरूरी ऐसा एक अगर सोचने के लिए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि मनुष्यों के बीच में वो एक अद्भुत ऐसा अलग प्रकार के सामर्थ्य को दर्शाता है, लेके आता है, जो मिरेकल्स करता है, जो साइंस एंड वंडर्स करता है, चमत्कार करता है, ठीक है। तो मनुष्य जाति के बीच में वो एक, ये एलोहिम शब्द के आधार से ये समझ में आता है कि एक प्रकार का अद्भुत असाधारण, ओके, अद्भुत असाधारण ऐसा नियंत्रण जो मनुष्य जाति पर किया जाता है, वो वाला है एलोहिम। ओके, वो एलोहिम कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। वो मिरेकल कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है, वो साइंस एंड वंडर्स कर सकता है, अद्भुत बातें कर सकता है, अचंभित करने वाली बातें कर सकता है, कुछ भी। ओके, ये वाला जो है एरिया ऑफ लाइफ जो मनुष्य के सोच और समझ के परे है, ठीक है, ये वाला एरिया ऑफ लाइफ जो मनुष्यों के लिए रखा गया है, उस नाम से जाना जाता है वो एलोहिम, जो परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, या फिर वो न्यायी के नाम से जाना जाता है, या फिर वो सृष्टिकर्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में वचन के अंदर देखते कैसा उसके बारे में बताया है। जिसके न्यायी बोलेंगे तो आपको एक बात समझ में आता है कि अगर आपने उसका रूल्स तोड़ा तो वो आपको पनिश कर सकता है। तो एक प्रकार का एलोहिम के नाम से उसका
रुबाब भी देखने को मिलता है। ओके उसका एक क्या कहते हैं, उसका एक पोजीशन देखने मिलता है कि वो हमें पनिश भी कर सकता है, न्यायी है वो, ठीक है, और परमेश्वर है वो, यानी उसको कोई अपोज नहीं कर सकता है, और सृष्टिकर्ता है वो। अगर हमको कुछ भी चाहिए जो हमारे पास नहीं है तो वो सृष्टि करके दे सकता है, मिरेकल्स कर सकता है वो, इस तरह वाला वो परमेश्वर है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके वचन के आधार से हम उसको पहचानेंगे किस तरह से उसका वर्णन किया गया है। उत्पत्ति में जाएंगे, चौथे वचन में देखते हैं, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो यहाँ पे जो वर्णन किया यहोवा परमेश्वर, ये वही परमेश्वर के बारे में बता रहा है जिसके अंदर इस नाम का और जुड़ाव है, वो न्यायी है, ओके, वो भय रखने का कारण है, ठीक है, मनुष्यों ने उसके ऊपर भय रखने का कारण है क्योंकि वो न्यायी है, वो कुछ भी कर सकता है। ओके, और एक क्या है उसके बारे में कि वो सृष्टि करता है, जो आपको नहीं है, जो आपको चाहिए, जो भी आपको आपके रचना में होना चाहिए वो सब कुछ को उसी ने सृष्टि किया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो वो सृष्टि करके दे सकता है, यानी आपको और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको देगा। और कैसे देगा? अद्भुत असाधारण रीति से देगा वो, जिसके बारे में कोई कहीं पर भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये किस तरह से परमेश्वर ने दिया आपको। असाधारण रीति से वो मनुष्यों के लिए उस तरह का परमेश्वर है, ठीक है, असाधारण काम करने वाला, अचंभित काम करने वाला, एकदम अलग तरीके से मनुष्यों को डर में रखने वाला कि देखो गलती नहीं करना, देखो मैं वो परमेश्वर हूँ कि अगर मैं प्रेम करता हूँ तो ठीक है, और लेकिन न्याय का समय आया तो फिर मुझे न्यायी भी कहा जाता है, जिसके अंदर मुझे न्याय करना जरूरी पड़ेगा तो पनिशमेंट्स हो सकता है। ओके, तो इस तरह का वो अपना एक पोजीशन उसमें दर्शा रहा है। और भी वचन है इसके, इसी के नीचे देखो और एक वचन है, पांच वचन में कैसा लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। दोबारा यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ऐसा बोला गया, इसका मतलब यही बनता है जो एलोहिम ये बोला गया है, न्यायी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ओके, न्यायी सृष्टिकर्ता, बस इतना ही उसका मतलब बनता है। परमेश्वर अलग शब्द है, न्यायी अलग शब्द है, सृष्टिकर्ता अलग शब्द है, तीनों को इकट्ठा मत करो, तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों को अगर जानना है तो वो एलोहिम का मतलब है। एलोहिम का मतलब न्यायी, एलोहिम का मतलब सृष्टिकर्ता भी हो सकता है और एलोहिम का मतलब परमेश्वर भी हो सकता है, इस तरह से उसको जाना जाता है। और उसके नीचे देखो और एक वचन है, सात वचन में कैसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर जो लिखा है एलोहिम को दर्शा रहा है, ठीक है। और एक उसके नीचे देखो और क्या लिखा है, 8-9 वचन और भी आगे है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और एक वचन देखो, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो लिखा है उसका मतलब क्या है, एलोहिम को पुकार रहे हैं वो, बता रहे हैं वो, ठीक है। एलोहिम का मतलब क्या है, जो न्याय करता है वो परमेश्वर, जो सृष्टि करता है वो परमेश्वर, और जो परमेश्वर है वो वाला, ठीक है, जो अद्भुत काम कर सकता है, अचंभित काम कर सकता है, मिरेकल्स कर सकता है, ओके, जो असाधारण रीति से एक नियंत्रण
रखा है मनुष्यों की सारी जिंदगी के हलचल के ऊपर, असाधारण, जिसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, इस तरह का वो परमेश्वर ने रखा हुआ नियंत्रण। ओके, और एक वचन देखते हैं आगे, 15 वचन देखो कैसा लिखा है आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि हाँ वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। फिर यहोवा परमेश्वर, तो जहां यहोवा परमेश्वर आता है तो आपको क्या समझ जाना है, वो एलोहिम के बारे में बता रहे, ठीक है। और जहां पर प्रभु लिखा गया है वहां पर अदोनाय के बारे में, जहां परम प्रधान लिखा गया है तो एलियोन के बारे में है, और जहां सनातन लिखा गया है तो ओलाम के बारे में, और जहां सर्वशक्तिमान बोला गया है तो एल शद्दाय के बारे में है। ओके, तो इस तरह से आपको ये वाला एलोहिम के बारे में समझ में आ रहा है, यहोवा परमेश्वर, तो समझ जाना है एलोहिम परमेश्वर के बारे में बता रहा है। इसके बाद भी सेम वचन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यहोवा परमेश्वर, एलोहिम के बारे में बताया। फिर यहोवा, 18 वचन, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहोवा परमेश्वर यानी एलोहिम, 19 में भी लिखा है, और यहोवा परमेश्वर यानी और एलोहिम भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 21 वचन में भी है, 22 में भी है, यहोवा परमेश्वर वो क्या है, एलोहिम के बारे में। तब एलोहिम ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया, देखो क्या कर रहा है वो, अभी क्रिएशन कर रहा है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्या कर रहा है, सृष्टि कर रहा है। अब उसकी सृष्टि करने का अंदाज देखो असाधारण है, उसने नींद में डाल दिया हाँ आदम को, फिर उसके फसली को निकाला, उसके संति मांस भर दिया हाँ। 22 वचन में देखो कैसा चमत्कार कर दिया उसने, और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को, उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया, है ना। तो आपका कोई भी अवस्था है जिसके अंदर आपको सृष्टि की जरूरत है, तो फिर आपने क्या करना है, एलोहिम के नाम से प्रार्थना करना है, ठीक है। एलोहिम का वो परमेश्वर का एक एरिया ऑफ लाइफ है जो आपकी सहायता मिरेकल्स के लिए करता है, ठीक है, जो न्याय कर सकता है, जो आपको न्याय के नीचे डर के रहने के लिए सहायता करता है, ताकि आपके पृथ्वी के व्यवहार में आप कोई ऐसा काम ना कर दे जो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़के। ओके, सब कुछ के ऊपर नियंत्रण रखने वाला है वो, यानी वो बिगड़ने नहीं देता है कुछ भी, वो सृष्टि को सृष्टि करता है, वो न्याय करने वाला है, वो परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है, ये तरह का उसको पहचानना है, तो फिर एलोहिम के नाम से वो पहचाना जाता है। और एक बार देखते हैं, 3 अध्याय में जाते हैं उसके लिए, देखो पहले ही वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर यानी एलोहिम ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। यहाँ पे जो परमेश्वर लिखा है ये भी एलोहिम है, ठीक है, यहोवा परमेश्वर जो लिखा है ये भी एलोहिम है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं है, यानी अदोनाय बोलकर नहीं है यहाँ पर, एलियोन बोलकर नहीं है, ओलाम बोलकर नहीं है, शदाय बोलकर नहीं है, यहाँ पर क्या है, केवल परमेश्वर एलोहिम, एलोहिम के नाम से जाना जाने वाला वो शब्द है, परमेश्वर जो है वो एलोहिम के नाम से जाने वाला, जाना जाने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, न्याय करने वाला परमेश्वर, जो कुछ भी कर सकता है, ऐसा वाले नाम से जाने वाला वो परमेश्वर है। ओके, और एक वचन देखो उसी में है, बहुत सारा वचन, एक एक करके देखते हैं।
पांच वचन में देखो, वरन परमेश्वर आप जानता है, ये वाला भी एलोहिम के बारे में है। आठ आठ वचन, आठ सॉरी, आठ वचन में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय बाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, यानी सृष्टिकर्ता से छिप गए। ठीक है, तो यहाँ पे सृष्टिकर्ता भी हो सकता है, यहाँ पर न्यायी परमेश्वर भी हो सकता है, यहाँ पर परमेश्वर भी हो सकता है। और इसको हिब्री भाषा में कैसा है, एलोहिम, इस तरह से लिखा हुआ शब्द है। नौ वचन में देखो कैसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है, यानी एलोहिम ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। अब और एक वचन देखो इसमें कैसा लिखा है, 13 वचन देखो, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, यहोवा परमेश्वर यानी एलोहिम के बारे में ये कहा गया है, ये वचन एलोहिम से जुड़ा हुआ मतलब दिखा रहा है इस वचन में। यानी कुछ भी सृष्टि के कारण आपको कुछ चाहिए, या फिर आपको कुछ भी न्याय परमेश्वर का डर आपके अंदर है, तो या फिर आप परमेश्वर है को परमेश्वर से कनेक्टेड है, ये सब क्या दर्शाता है, एलोहिम के बारे में दर्शाता है। तो आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए जब आपको परमेश्वर का डर है आपके अंदर, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, उसने अपने डर को मनुष्यों के जिंदगियों में रखा हुआ है। तो वो परमेश्वर का पहचान है आपके अंदर, कि आपके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है, ये आपके ऊपर पहचान है। ओके, तो इसकी वजह से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे मुझे क्यों परमेश्वर का डर क्यों लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसका आपके साथ का कनेक्शन है वो, और इसके लिए जैसा वो है वैसे ही आपको फील हो सकता है। ठीक है, परमेश्वर का भय आपको फील हो सकता है, आपके अंदर वो कॉन्शियस में आ सकता है, रह सकता है, रुक सकता है। ठीक है, आपको उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो उसका कैरेक्टर है, वो आपसे कनेक्टेड है, इसकी वजह से ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। याहवे, ओके, अब याहवे का मतलब देखते हैं हम।